हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू जनवानी क्लासेस। सो आप सभी को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जिनका भी बीएससी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले हैं। वैसे तो यूनिवर्सिटी वालों ने आपके साथ में बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया, बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी करी है कि अभी आपके फर्स्ट सेम के एग्जाम कंप्लीट हुए थे और इतनी जल्दी ही इन्होंने आपके सेकेंड सेम के एग्जाम भी रख दिए हैं। ना तो पढ़ने का टाइम दिया, ना ही किसी चीज का, ना ही तो इनके कॉलेजेस में अभी तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ना ही अगर आप बाहर से कहीं पे कोचिंग लेते हो वहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो आप सभी के माइंड में सबसे ज्यादा टेंशन जो रहती है वो रहती है मैथ्स की। दी मैथ्स का क्या करें, मैथ्स ही नहीं समझ में आता। फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री हुई, ये तो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गए जिनको चलो मान लिया हमने लर्न कर लिया तो हो गया, बट मैथ्स में क्या करें, सबसे ज्यादा बैक लगती है मैथ्स में और उसके बाद में दिक्कत आ जाती है कि भैया मैथ्स में तो बैक लग गई, अब करें तो क्या करें, फिर आगे पढ़ने का ही मन नहीं करता। कुछ आप में से ऐसे महानरथी भी होंगे कि क्या करेंगे, दी हमारा तो मैथ पढ़ने का ही मन नहीं करता, ऊपर से एग्जाम इतनी जल्दी आ गए, हमें तो समझ में नहीं आता, करें तो क्या करें। तो आपको नहीं है जरूरत लेने की टेंशन, बिकॉज मैं लेकर के आ चुकी हूँ आप सभी के लिए मैराथन क्लास। और मेरा शायरी अच्छी बनी नहीं बनी, रहने दो, चलो कोई बात नहीं। तो मैराथन क्लास जो होगी वो आपकी पूरे वन वीक की होगी। अगर मैं आपको डेट की बात करूं, अगर डेट शीट बताई जाए सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो आपको याद होगा आई थिंक 12 तारीख को आपका फिजिक्स का एग्जाम है, उसके बाद में 16 को आपका शायद से मैथ्स का एग्जाम है। एक बार मैं कन्फर्म कर लेती हूँ, 16 को है आपका मैथ्स का या 14 को है एग्जाम? हाँ जी, 16 को मैथ्स का है, उसके बाद में 18 को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। ये आपकी प्रॉपर डेट शीट की बात है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा मैथ्स पे, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप कवर कर सकते हो। देखो अगर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है तो वो भी मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और मैथ्स का भी। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप चेकआउट कर सकते हो। बट मेन बात आती है मैथ्स की, मैथ्स में थोड़ा सा तो कुछ बता दो, इतना सारा सिलेबस हमसे कवर नहीं हो पाएगा। तो इस क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है चैप्टर्स की, कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स से अबव मार्क्स हम भी कैसे लेकर के आ सकते हैं इतने कम दिन में पढ़ करके। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक सीधी सी बात मैं बता रही हूं कि आज जो चैप्टर्स आपको बताए जाएंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग हम मैराथन क्लासेस करेंगे और उसके अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे अगर आप सभी क्लास अच्छे से कवर कर लेते हो तो गारंटी मेरी है कि आप में से किसी की भी मैथ्स में बैक नहीं लगने वाली है। ये फुल गारंटी मैं अपने ऊपर ले रही हूं। पर आपको करना क्या है, जितने आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे क्लासेस में, जितने होमवर्क में दिए जाएंगे करने के लिए, वो सभी आपको दिन के दिन ही कर लेने हैं। जैसे मैं आपको करा रही हूं, पहले आपको क्लास देखनी है, उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस होमवर्क से दिए जाएंगे तभी के तभी। कोशिश करूंगी कम से कम क्वेश्चन दिए जाएंगे, बट घर से करने के लिए क्वेश्चन इसलिए दिए जाएंगे बच्चे, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा वीडियोस देखकर भी कुछ भी, ठीक है? तो इसीलिए अच्छे से कवर करेंगे, थोड़ी लेंथी क्लासेस रहा करेंगी, बट जितना आपको करा दिया जाएगा उतना सफिशियंट है। जो आपकी क्लासेस चलेंगी, आज 7 अगस्त है, 8 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी कि 8 से 13 तक आपकी मैराथन क्लासेस चलेंगी। इन 6 दिनों के अंदर अंदर हम आपकी दोनों बुक, 2 बुक्स हैं आपकी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स की। फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस और सेकंड बुक है आपकी ज्योमेट्री। दोनों से जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और कल से जो है आपकी क्लासेस वो स्टार्ट हो जाएंगी। क्लास का अगर टाइमिंग की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर मैथ्स की जो मैराथन क्लास मिलेगी वो आपको कल को मिलेगी 4 PM पे। 4 PM से ही आपकी 6 डेज क्लास चलेगी, ठीक है? और जो क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी, जिससे कि आपको भी ज्यादा टाइम ना लगे क्लासेस को देखने में। आप चाहे तो थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करके भी उनको देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप डबल डबल देखोगे तो वो अच्छे से माइंड में आपके फिट बैठ जाएगा। लेकिन कंडीशन एक है, कि कंडीशन क्या है कि आपको वीडियोस अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करनी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं इस बार जो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है कि दी हमारा मैथ कैसे कंप्लीट होगा, बीएससी लेके गलती कर दी क्या, मैथ को कैसे कवर करें। तो उन सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है आपको। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ हमारा भला हो जाए और
दूसरे गए भाड़ में, हमें नहीं दूसरों से मतलब, बस हमें पता चल गया तो सफिशियंट है। ऐसा नहीं करना आपको, सभी की हेल्प करनी है, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के साथ में वीडियोस को शेयर करना है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस कंप्लीट बुक के अंदर टू पार्ट्स हैं, एक मैट्रिसेस और एक डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, दोनों बुक्स से अगर हम बात करें तो आपका एक पेपर आएगा, ठीक है, और पेपर होगा आपका 70 मार्क्स का। तो इस 70 मार्क्स के अंदर आपकी फर्स्ट बुक भी इंक्लूड होगी और सेकेंड बुक भी, यानी कि मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस भी और ज्योमेट्री भी, दोनों बुक्स को मिलाकर के एक पेपर होगा, वो भी कितने मार्क्स का, 70 मार्क्स का। इन 70 मार्क्स के अंदर अब आप देख सकते हो कि कितना पोर्शन ऐसा है, अगर हम इसका तिहाई पार्ट करें तो यानी कि आपको जो मार्क्स लेकर के आने हैं वो अप्रोक्सीमेट आपको 25 से भी कम लेकर के आने हैं, ठीक है, 25 से भी कम मार्क्स पे आप क्या हो जाओगे, पास, यानी कि पासिंग मार्क्स से अबव मार्क्स हैं आपके कितने, 25। तो इस कंडीशन में आपको देखना है 25 मार्क्स के अंदर आपको कितना पढ़ना होगा, यानी कि अगर आप 25 नंबर लेकर के आ जाते हो तो आपके बैक के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो आपको फिर दिमाग से टेंशन उतर जाएगी कि कहीं बैक तो नहीं लगेगी, ठीक है। देखो बच्चे, सबसे पहली बात, एक तो मैथ्स है इतना बोरिंग सब्जेक्ट आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए, वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होगा, और इसको इतने ज्यादा ऐसे बैठ के देखने से वीडियो तो ये और ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, तो पढ़ने में इंटरेस्ट कहां से आएगा, ठीक है। तो पहले तो एक छोटी सी स्माइल लेकर के आओ फेस पे, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो 25 मार्क्स के अंदर आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि आपके बैक से अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है, इतना क्लियर है। बैग नहीं लगवानी किसी को भी, अगर बैग लगवाई यहाँ से पढ़े तो पिटोगे जरूर, मुझे बता देना, मैं पिटने घर पे ही आ जाऊंगी तुम्हारे, ठीक है। अब इतना सब कुछ बता रही हूँ तो आपकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट बुक से, अगर आप सेकंड बुक ना भी पढ़ो, ज्योमेट्री को अगर मैं साइड में कर दूं, आप ज्योमेट्री ना भी पढ़ो तो फर्स्ट बुक से इतना पढ़ लेना जितना करा दूं या मैराथन क्लास में जितना करा दूं, सफिशियंट है बच्चे, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको इतना है कि हम तो एनडीए की तैयारी करें, किसी अदर एग्जाम की तैयारी करें, तो हम ज्यादा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। बात करते हैं मैट्रिसेस की, इसमें सबसे पहले जो आपका चैप्टर आता है वो आता है मैट्रिसेस ही। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ क्या आप ये मान करके चल सकते हो, मोस्टली बच्चे डेफिनेशन है इसके अंदर, तो अगर आप उन डेफिनेशंस को पढ़ लेते हो सफिशियंट है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, मोस्टली डेफिनेशन ही पूछी जाती है, जितना सफिशियंट होगा मैथन क्लास में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, 101% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा इस चैप्टर से, लिख करके ले लो। तो अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो ये समझ लीजिएगा कि आपका एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी पक्का है, या तो आपको वेरी शॉर्ट में मिलेगा या फिर आपको लॉन्ग में मिलेगा, जो ये डेफिनेशन आएंगी ये आपको वेरी शॉर्ट में मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चैप्टर ज्यादा लेंथी नहीं है, 2 से 3 एक्सरसाइज है इसके अंदर और तीनों एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, इससे थ्योरम है केले हैमिल्टन थ्योरम। तो इस वाले चैप्टर से दो चीज बनती है, एक तो केले हैमिल्टन थ्योरम या तो आपसे वेरी शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है और क्वेश्चन आ जाएगा लॉन्ग में। इस चैप्टर का क्वेश्चन मोस्टली आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलता है, या फिर केले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ आ जाएगा आपसे, ठीक है, पूछ लेगा, और वो भी किसमें आएगा, आपका लॉन्ग में ही आएगा। तो इससे मोस्टली आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, इससे आपके वेरी शॉर्ट बनते हैं, इससे आपके लॉन्ग बनते हैं और इस वाले से आपके शॉर्ट बनते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। देखो बच्चे मेरी बात मानो, इन चारों में से कोई सा भी पार्ट मत छोड़ना, बिकॉज आपने 11th 12th में भी अच्छे से मैट्रिक्स पढ़ी हुई होगी, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, किसी के इंटीग्रेशन नहीं है, किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है, किसी का फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा माइंड का यूज करना होता है अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर एक ये सभी चैप्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये पढ़ लोगे ये समझ में आ जाएगा, इसके बाद में इसको अच्छे से कवर कर लोगे इसमें आसानी होगी, इसको अच्छे से कवर कर लोगे तो इसके क्वेश्चंस को करने में आपको आसानी होगी, ठीक है।
सभी चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये पोर्शन आप 101% कीजिएगा, इसमें कुछ मत छोड़ना। इसके बाद में इसी बुक का नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करें डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो देखो इनमें से जो सबसे पहले बात करते हैं वो करते हैं फिफ्थ वाले चैप्टर की होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो एक्सरसाइज है, इनमें से आपसे फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना सफिशियंट है, करनी है तो फर्स्ट एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आता है, अदरवाइज क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता। बात करें इन चारों चैप्टर में से, इसको एलिमिनेट कर दो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज को। अगर आप इस कंप्लीट चैप्टर को भी करोगे, यानी कि जो वीडियो मैंने बनाई हुई है, एक वीडियो के अंदर आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराया हुआ है, आप उसको भी देख लेना, सफिशियंट है, उससे बाहर आपका इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, एक एक्सरसाइज है सिर्फ, ठीक है। सभी कुछ इंपोर्टेंट कराया हुआ है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बचे ये तीन चैप्टर्स। अब इन तीन चैप्टर्स में से आपको सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, ये वाला जो चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये आपका इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, लेंथी भी है, एक्सरसाइजेस में काफी ज्यादा है, 9 to 10 एक्सरसाइजेस होंगी इस वाले चैप्टर में, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, फॉर्मुलों का यूज हुआ है, अगर आपने फॉर्मुले याद कर लिए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, इसमें ओनली 4 to 5 एक्सरसाइज है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही एक्सरसाइज इंपोर्टेंट है, कुछ एक्सरसाइज इंपोर्टेंट नहीं है। इनको एक्सरसाइजेस को हम जो मैराथन क्लास होगी उसमें आपको एलिमिनेट करके बता दूंगी, जब आपको चैप्टर कराया जाएगा प्रॉपर एक, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी ये एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज नहीं करनी, ये एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं करनी, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको हैंड टू हैंड बताते चलेंगे, और मैराथन क्लास में कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल जो आपके इंपॉर्टेंट है ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी हम कवर करें। लास्ट आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, ये भी आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट इतना ज्यादा नहीं है। तो कुल मिला करके अगर आपको फर्स्ट बुक अच्छे से प्रिपेयर करनी है, तो ये चारों चैप्टर्स कर लीजिए, ये वाला चैप्टर कर लीजिए, और एक दिन में से आप ये वाला चैप्टर कर लीजिए, सफिशियंट है, इतना इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये है, देखो ये चैप्टर कब बता रही हूं मैं, जब आप सेकंड बुक भी करोगे, अगर आपको सेकंड बुक नहीं करनी तो ये सब कुछ अच्छे से कर लीजिए, चैप्टर जो भी मैराथन क्लास में कराया जाएगा, जितना बताया जाएगा सब कुछ, उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। अगर थोड़ी सी मेहनत आप अपने पास से करना चाहते हो, देखो मैं ज्यादा बोल रही हूँ मुझे पता है, बट बोल इसलिए रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, बोरियत महसूस ना हो क्लास में। तो बात करते हैं कि अगर आपको क्या बोल रही थी मैं भूल गई मैं ये बोल रही थी कि अगर आपको ये है कि हम दी थोड़ी सी मेहनत अपने पास से कर लेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे आते हैं दी हमें नहीं पता, आप तो बिल्कुल क्वेश्चंस भी ला करके दो, उनका सॉल्यूशंस भी ला करके दो, हमसे तो बस इतना होगा कि हम उनको पढ़ लेंगे, सफिशियंट है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हो तो इतना जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो मैंने प्रोवाइड कराई हुई है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन अपने आप एज अ टेस्ट के तौर पर आप कर लीजिएगा, काफी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में, और उनके सॉल्यूशन जो है वो आपको वीडियोज में ही मिलेंगे। तो वीडियोज में जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई कंप्लीट बुक की, आप वहां से चैप्टर वाइज देख सकते हो कि किस चैप्टर का है, तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो कि ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा, कुछ एग्जांपल्स भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के ऊपर, तो मैराथन क्लास के बाद आप उससे आइडिया ले सकते हो, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, उसके बाद ज्योमेट्री के चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो देखिए इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बुक जो कि है आपकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी आपके टू पार्ट्स हैं, एक तो ज्योमेट्री 2D और एक ज्योमेट्री 3D। इनमें से चैप्टर्स का एलिमिनेशन करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं उनको आप अच्छे से कवर करके अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले 2D का जो पोर्शन है इसको कट कर दीजिए, इसमें सिर्फ आपका जो चैप्टर 3rd है, टाइम मिलने पर अगर आप इसको करेंगे पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक, तो ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी के दोनों चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। बात करते हैं 3D में, 3D में फर्स्ट चैप्टर आप रहने देना, सेकेंड वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है बाकी के चैप्टर्स को समझने के लिए, डायरेक्शन कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है प्लेन, स्ट्रेट लाइन, स्फीयर, कॉन, द सिलेंडर, द सेंट्रल कॉनिकॉइड्स, बस इससे ज्यादा आपको चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं ये दो चैप्टर्स और देख लेती हूँ। हाँ जी,
तो बस ये जो चैप्टर्स है, एक चैप्टर ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये टोटल 8 चैप्टर्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं इस वाली बुक से। अगर इसमें कंप्लीट चैप्टर्स की बात करें तो 12, 3, 15 चैप्टर है, हाफ आपके लिए कर दिए मैंने। इनको अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो आपके मार्क्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छे आएंगे। बाकी ये जो चैप्टर्स है इनको मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि इनसे एग्जाम्स में कम पूछा जाता है, जो ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं 100% वो आपके इन्हीं चैप्टर्स से पूछे जाते हैं मोस्टली। तो अगर आपको देखिएगा, मैं आपको तीन बातें बता रही हूँ। पहली बात तो ये, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सिर्फ ये चाहिए कि दी हमें तो सिर्फ इतना करा दीजिए आप कि हम पास हो जाएं, हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैराथन क्लास कराई जा रही है, उनको अच्छे से कवर कर लेना, जितना बता रही हूँ वो कर लेना, तो आपके पासिंग मार्क्स से भी अबव मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि दी हमें तो कॉपी करना, हमें तो ये चाहिए कि हम कम टाइम में पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, हमें तो इतना चाहिए कि हमारे मैथ्स में जो है 70 में से अप्रोक्सीमेट 60 मार्क्स आ जाए, तो हम क्या करें। तो उसके लिए जितने चैप्टर्स आपको बताए हुए हैं इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना, जिसे कहते हैं ना कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। सारा सिलेबस आपको यूट्यूब पे कराया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है दोनों बुक्स की, वहां से चेकआउट कर लेना और अपना चैप्टर जितना आपको वीडियोस में कराया हुआ उतना कर लेना, प्लस एग्जांपल्स जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको कवर कर लेना, सफिशियंट है, बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। ये जो क्लासेस चल रही है इसलिए चल रही है मुझे, ताकि आप में से किसी की भी बैक ना आए, आप सभी अच्छे से एग्जाम दे पाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने इतनी हद कर दी है, उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा, किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा कि स्टूडेंट की लाइफ का क्या होगा, वो कैसे आगे पढ़ेंगे। तो सिर्फ एक रट्टाफिकेशन वाली बात हो गई कि इतने कम टाइम में इन्होंने ये बोल दिया कि हाँ कर लो, ठीक है एग्जाम हो जाएंगे, डेट शीट इन्होंने दे दी, भले ही डेट शीट चेंज हो जाए बट कितनी एक्सटेंड होगी, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो जाएगी, इससे ज्यादा तो ये एक्सटेंड नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए इन्हें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आगे फ्यूचर का क्या होगा, क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे बच्चे, सिर्फ एक रट्टे वाली बात हो गई है। तो कि इन्होंने एग्जाम दे दी और आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे वहां से ये नहीं पूछेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, वहां पे कॉपी में सिर्फ वही काम आएगा जो कि आप लिख करके आओगे उस टाइम पे, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कर लीजिए। देखो बैक नहीं लेकर के आनी, उससे ज्यादा दुख होता है मुझे, फिर आप आगे सेमेस्टर में जाकर के वहां पे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है इस चक्कर में, ठीक है। तो पास आपको बीएससी करनी है, डरना नहीं है, टेंशन माइंड में से बिल्कुल निकाल दो कि मैथ्स को लेकर के, तो बिल्कुल आप ऐसे हो जाओ नॉर्मल कि हाँ कुछ भी नहीं है बीएससी में, हलवा है मैथ्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहां से देख रहे हो मेरे साथ हो तो जितना मैं कह रही हूँ, जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उतनी आप कर लेना, उससे ज्यादा मेहनत करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी गारंटी आपकी मेरी है, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही, कल से 4 PM पे मिलेंगे मैराथन क्लास के साथ में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दूसरी बात, ये टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, अगर नोटिफिकेशन यूट्यूब की साइट से नहीं जाता तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।